यात्रा अगर है तो ये मध्य प्रदेश की जन जन की विकास और प्रगति की यात्रा। मुझे संवाद ज्यादा अच्छा लगा। तो बीच भाषण सिंधिया का माइक खराब हो गया, फिर क्या था, सिंधिया यहाँ नहीं रुके बल्कि माइक छोड़कर आगे पहुंचे और जनता तक अपनी बात पहुंचाई। ये भी कहा कि मुझे भाषण देना नहीं पसंद, मुझे संवाद करना पसंद है। कहाँ का है ये मामला, ये तस्वीर कहाँ की, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जोरों शोरों से लगी है। पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और इसकी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर भी है। बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए सिंधिया पहुंचे थे शाजापुर। यहां पर वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा के संबोधन के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का माइक खराब हो गया, माइक से आवाज नहीं आ रही थी। ऐसे में सिंधिया ने माइक को छोड़ा और मंच पर आगे की ओर गए और अपनी बात जनता तक पहुंचाई। एक बार आप भी देखिए वीडियो। यात्रा अगर है तो ये मध्य प्रदेश की जन जन की विकास और प्रगति की यात्रा। मुझे संवाद ज्यादा अच्छा लगा। भाषणबाजी देखा देते हैं आपका परिवार का सदस्य आपको काम। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिस गर्मजोशी के साथ सिंधिया ने तमाम वहां मौजूद जनता तक अपनी बात पहुंचाई। माइक ना होते हुए भी सिंधिया लोगों तक अपनी बात पहुंचाते। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भाषण देना पसंद नहीं है, मैं ऐसे संवाद में विश्वास रखता हूं। फिलहाल सिंधिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, उनके इस अंदाज की सभी तारीफ भी कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर, सिंधिया के इस अंदाज को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।